सलाम दोस्तों, मैं रिमशा आप प्लांट फ्रेग्रेंस के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा मैक्सिकन पिटोनिया पे है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और थोड़ी बहुत केयर के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। मैक्सिकन पिटोनिया एक समर फ्लावर प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। और दोस्तों ये पूरी समर हमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है, बिल्कुल भर भर के हमें फूल देता है। ये आप देख ही रहे हो कितनी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों इसमें तीन कलर आते हैं, एक ये पिंक कलर है, देखिए कितना यूनिक कलर है, कितना प्रीटी लग रहा है, इतना खूबसूरत। और एक ये पर्पल कलर है, देखिए दोस्तों पर्पल कलर भी है, और एक ये वाइट कलर है। तो ये तीन कलर आते हैं दोस्तों इसमें। और तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इसमें अगर आपका फूल आपके नहीं आ रहे हैं या आप काफ़ी दिन हो गए हैं तो आप परेशान हो रहे हैं कि फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत केयर के बारे में और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों पर वैसे तो ये एक ज़्यादा इसमें केयर नहीं करनी पड़ती इसकी, इस प्लांट की, और थोड़ी बहुत केयर में ही ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। हमें हर पौधे की केयर करनी पड़ती है, किसी की ज़्यादा और किसी की कम। तो दोस्तों ये प्लांट इतना ज़्यादा अच्छा है, हम इसे हैंगिंग बास्केट में और नॉर्मल जैसे गमले में होता है हम उसमें भी लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ख़ास बात है कि बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसमें इस प्लांट में फली सी बनती है जिसमें सीड्स रेडी होते हैं, और वो फलियाँ अपने आप फट के जब मिट्टी में गिरती हैं तो पौधा उग जाता है। और आप उस फली को लेके आप भी बस मिट्टी में ऐसे मिट्टी की गुड़ाई करके आप बिखेर दीजिए, और तो आपका पौधा काफ़ी सारा तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसमें खाद आप हर हफ्ते 8 से 10 दिन में इसमें खाद दें, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। और जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो इसमें थोड़ी सी कोकोपीट और रेत और नीम की खली और खाद, ये सभी को मिक्स करके आप इसकी मिट्टी तैयार करें और इस प्लांट को लगाएं। तो दोस्तों और सबसे मेन बात है दोस्तों, इसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। कम से कम 5 से 6 घंटे की आप इसे धूप देंगे तभी ये फूल देगा आपको, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसे बालकनी में रखते हो तो आपको ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों इसमें फूल तो आ ही रहे हैं मेरे पौधे में, देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, आप देख रहे हो ना इतनी बर्ड्स आ रही हैं इसमें। और ये डेली मेरे गमले में इतने, ये मेरे प्लांट में इतने सारे फूल इसी तरह से खिलते हैं माशाल्लाह, और देख कर निहायत ही खुशी होती है। तो आपके प्लांट में भी इसी तरह फूल खिलते हैं तो आपको भी खुशी होती होगी दोस्तों, जो ख़ास करके हम प्लांट लवर हैं वो। तो इसको धूप दोस्तों ऐसी जगह रखिए जहाँ 5 से 6 घंटे की, कम से कम 4-5 घंटे की तो देनी ही है इसे धूप, तो वहाँ रखिए। क्योंकि अगर आप इसे बालकनी में रखोगे जहाँ 1.5 घंटे की धूप आती हो तो ये आपको फूल नहीं देगा, और ये आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करेगा। और दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस एक से, देखिए आप जैसे ये देख रहे हो ये वाइट फ्लावर वाला, ये मैंने सीड से ही उगाया था ये। और इसमें ये इस गमले में ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग से ये वाला पौधा मैंने कटिंग से उगाया था, और ये दो पौधे मैंने नर्सरी से लिए थे, एक ये वाला और एक ये लिया था। तो ये दो पौधे मैंने नर्सरी से ही लिए थे दोस्तों। तो और बाकी ये मैंने कटिंग से लगाए थे, देखिए कितने अच्छे से कटिंग लग गए, फ्लावरिंग भी हो रही है, इतनी बर्ड भी आ रही है और फूल भी आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो दोस्तों। और ये देखिए ये बीज से लगाया था और ये कटिंग से लगाया था मैंने। और बाकी और दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने काफ़ी सारे सीड से भी तैयार किए थे, ये देखिए ये एक ये हो गया, ये दोस्तों ये और ये सब सीड से ही रेडी किए हैं। और दोस्तों मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने सीड से तैयार किए थे, ये देखिए दोस्तों ये है
बस जहाँ जिस गमले में जगह मिलती है दोस्तों, मैं यहाँ पौधा में बीज डाल देती हूँ और इस तरह से पौधा उग जाता है। देखिए ये रहा है ना, और एक ये रहा, ये देखिए दोस्तों, एक ये है, और इस तरह से कई सारे और भी हैं दोस्तों, मुझे देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्लांट इसकी, ये ऐसी ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है, और इस तरह से बस थोड़ी सी केयर में ही, बस आप इसकी धूप का ख्याल रखें और पानी, आप इसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी सुबह शाम दें। सुबह अगर सुबह जैसे आपने दिया है और शाम में इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो आप शाम में भी थोड़ा बहुत पानी दें और सुबह इसको अच्छे से दें, क्योंकि सारा दिन जो धूप पड़ती है, सारा दिन 4-5 घंटे की धूप पड़ेगी, तो इसको पानी, इसके मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए इसको पानी आप अच्छे से दें सुबह के टाइम, मॉर्निंग में। तो ये सभी थी इसकी केयर और इसके बारे में जो भी नॉलेज थी दोस्तों मैंने आपको बताई। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाएं और गमले में भी लगाएं दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी, बहुत अच्छे से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। बाय दोस्तों।